चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की जद में आकर दम तोड़ने वाले सैकड़ों शिक्षा कर्मियों के परिवारीजन की भावनाओं से खेलना बंद करके योगी सरकार को प्राथमिक शिक्षक संघ की सूची स्वीकार करनी चाहिए। साथ ही साथ 1621 लोगों की सूची के सापेक्ष पहले 3 और सब 2 1200 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी करने की जगह सरकार सभी शिक्षकों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग आम आदमी पार्टी करती है। शुक्रवार को ये बातें जिला अध्यक्ष ने कही। यूपी सरकार गाइडलाइन के द्वारा जो चुनाव के समय टीचरों की ड्यूटी लगी हुई थी, जो लोग कोरोना पॉजिटिव होकर जिनकी मृत्यु हो गई है, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, थोड़ा बताएंगे आप? सर्वप्रथम मैं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि चुनाव ड्यूटी के समय हमारे जो भी भाई शिक्षा में अध्यापक कोरोना काल में मृत के गाल में समा गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये बात बताना चाहता हूं कि आंकड़े का खेल खेलना बंद कर दें। जो बात सही है, योगी जी अब आंकड़े छुपा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 1624 अध्यापकों की और शिक्षा मित्रों की मृत्यु हुई है, जबकि सरकार उसके सापेक्ष केवल 3 मृत्यु बता रही है। अब जाके 1200 मृत्युओं पर उन्होंने अपनी मतलब गाड़ी रोकी है कि 1200 मरे। मेरी पार्टी पहले भी योगी आदित्यनाथ से ये मुआवजा देने की बात कह चुकी है कि उन सभी परिवारों को, उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपया और 1 परिवार में नौकरी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कहीं 30 लाख की बात करती है, कहीं और बात करती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनपद औरैया में 14 शिक्षा मित्र और अध्यापक काल कलवित हो चुके हैं, उन सभी के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है और पार्टी के कार्यकर्ता उनके घरों पर जाकर उनसे मिलेंगे और उनको सांत्वना देंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः आगाह करते हैं कि हर प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपया और 1 नौकरी उनको दी जाए। आम आदमी पार्टी हर कार्यकर्ता के साथ, हर शिक्षा मित्र के साथ, आशा के साथ, उनके साथ सहयोग पे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और हर वक्त उनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी।